जय गो माता। मित्रों, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो लड्डू बनता है वहाँ प्रसाद के रूप में, वो जिस घी में बन रहा है उस घी की रिपोर्ट सामने आ गई है। उसमें फिश ऑयल और बीफ फैट है, यानी गाय की चर्बी है और फिश ऑयल है। आप सोच सकते हैं जो सबसे पवित्र स्थान है सनातन धर्म का, वहां भी प्रसाद बन रहा है और उसमें गौ माता की चर्बी मिली हुई है उस घी में। कितने अफसोस की बात है। लेकिन ये बात अभी सामने आई है और सच्चाई ये है कि हम बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि ये जो 300 रुपए लीटर घी, 400 रुपए लीटर घी, 500 रुपए लीटर घी मिल जाता है और लोग खुशी खुशी खरीद लेते हैं, मेरे भाई वो घी है ही नहीं। कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है, मॉल की इन दुकानों में नहीं मिलता। मेरे भाई ये जो घी है ना, जिसको आप घी कह रहे हैं, ये हो क्या रहा है आपको पता है? मरे हुए पशु, चूहे, कुत्ते जो सड़क में मरे हुए आपको दिखाई देते हैं, और नॉनवेज की होटल जितनी होती है वहां से निकला हुआ कचरा, हड्डियां, चर्बी और मरे हुए तमाम जानवर, इन सबको इकट्ठा करके एक बड़े से कड़ाहे में गर्म किया जाता है और उसके बाद उसमें जो तेल निकलता है ऊपर, उसको अलग करके उसमें खुशबू डाल के और थोड़ा सा घी का एसेंस डाल के और रंग डाल के और तमाम तरह से बहुत सुंदर पैकिंग करके किसी भी हीरो हीरोइन को, क्रिकेटर को 1-2 करोड़ रुपए देकर ये कंपनियां बताती कि फलाना फलाना शुद्ध देसी घी खाइए और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाइए। हम देखते हैं कि ये हीरो हीरोइन और ये क्रिकेटर इसका प्रचार प्रसार कर लेते हैं तो उसको हम तुरंत खरीद लेते हैं असली घी समझ के। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अभी मैंने देखा यही हीरो हीरोइन, इनके कारण जो बेटिंग ऐप होता है, अभी प्रतीक जी ने अपने शो में दिखाया न्यूज 18 में कि एक बच्चा यही शाहरुख और यही सचिन तेंदुलकर का विज्ञापन देखकर वो बेटिंग ऐप में टीम बनाओ करके वो जुआ खेलने लगा, 96 लाख की उधारी चढ़ गई, जालसाजी भी करने लगा। उसकी माता बात नहीं कर रही है, भाई बात नहीं कर रहा है, वो बच्चा रो रहा है और कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। आप ये सुनहरे डब्बे की पैकिंग में आकर हीरो हीरोइन प्रचार कर रहे हैं, इसमें आकर आप कभी भी इसको ना कर दें। हमसे जब कोई पूछता है असली घी है जी हमारे पास, शुद्ध देसी गो माता का देसी विधि से बनाया हुआ घी, कितने का है? हम कहते हैं 2000 रुपए का। कहते हैं ये बहुत महंगा है। अरे 400 रुपए 500 रुपए में देसी गाय का घी आ ही नहीं सकता मेरे भाई, वो संभव ही नहीं है। और बात किस कदर पहुंच चुकी है कि सनातन का प्रमुख स्थान तिरुपति बालाजी, वहां तक गाय की चर्बी वाला घी इस्तेमाल हो रहा है। आस्था ही पूरी समाप्त हो गई, स्थिति ये हो गई है। मैं आपको बताऊं मतलब किस कदर नकली माल आ रहा है, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। हमारे जो एडवोकेट है, एडवोकेट शिराज कुरैशी साहब, जो कि हमारे गौ सेवा का तमाम केस निःशुल्क लड़ते हैं, उनके साथ मैं एक कार्यक्रम में गया। वो कार्यक्रम था मिठाई बनाने वालों का, मिठाई बनाने वाले जो बड़े बड़े व्यापारी थे मिठाई नमकीन के, उनका था। वहां पे एक डिस्कशन था, मैं आपको बताऊंगा नहीं वो किस शहर की बात है और वो कौन लोग थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग थे वो। आपको पता है वो जो मिठाई एसोसिएशन वाले लोग थे, मिठाई बनाने वाले लोग थे, उनका क्या कहना था? ये जो मिठाई बनाने वाले बड़े बड़े व्यापारी थे, उनका क्या कहना था कि वकील साहब एक आप काम करवा दीजिए। कहे क्या काम करवा दें? हमको ये अनुमति दिलवा दीजिए कि हम अपनी मिठाई में लिख सकें कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि हम लोग परेशान हो गए हैं, इतना छापा पड़ता है, हमारी जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा ये पुलिस वालों को, फूड डिपार्टमेंट को, फूड इंस्पेक्टर को, इनको देने में निकल जाता है, कार्रवाई में निकल जाता है। जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब में लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप तंबाकू, बीड़ी, शराब, सिगरेट पीकर कि इसको दमा हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई मर जाए, कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता क्योंकि उसने लिख दिया है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी तरीके से मिठाई वाले कह रहे थे कि हमको भी अनुमति दिलवा दो कि हम लिख सके हमारी मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बाद जिसको खाना है खाओ, मरना है मरो, नकली जो दूध बन रहा है, जो केमिकल वाली सारी चीजें बन रही है, और ये गाय की चर्बी और मरे हुए पशुओं की चर्बी से जो तमाम चीजें बन रही है, ये बनती रहे, लोगों को बीमारी होती रहे, लेकिन हम बच जाएंगे क्योंकि हमने लिख दिया जी ये हमारी मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चाह रहे हैं कुछ लोग। अब मेरे सामने की बात है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, स्थिति ये पहुंच गई है। अभी तो तिरुपति बालाजी का केस आया है, ऐसे तमाम जगहों में भी ये सारी चीजें हो रही होंगी। अभी भी हम, मैं बड़े बड़े मंदिरों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सोचिए हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं, 52 शक्तिपीठों में जाते हैं, यहां पे क्या स्थिति होगी अभी? ये तो एक मंदिर का सामने आया है ना, वो भी जो सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, और नाम भी उसका क्या है, देखिए गो माता की चर्बी का प्रसाद बन रहा है, और उस मंदिर का नाम क्या है, वह कौन भगवान विराजमान है, और वहां जब हम चढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? मैं भी गो सेवा सद्भावना पद यात्रा के दौरान वहां पर जब सीढ़ियों पे चढ़ा तो देखा सब करे गोविंदा गोविंदा गोविंदा, उन भगवान को गोविंदा करे। उनकी कथा आप सुन लीजिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जिस भगवान के दरबार में गाय की चर्बी वाला घी इस्तेमाल हो रहा है, वो भगवान वहां स्थापित कैसे हुए? भगवान विष्णु जब इस धरती पर आए
तो अगस्त ऋषि की गौशाला में गए, श्रीनिवास नाम से वो आए थे कि मुझे तो गौ माता का दूध बहुत पसंद है। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि मैं केवल जोड़े को ही गौ माता देता हूँ, विवाहित जोड़े को। तब श्रीनिवास भगवान जो कि विष्णु जी का रूप था, वो लक्ष्मी माता की खोज में ही आए थे। लक्ष्मी माता पद्मावती जी के रूप में यहाँ पर पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया। पद्मावती जी से श्रीनिवास भगवान ने विवाह किया और फिर अगस्त ऋषि की गौशाला में गए और याचना करने लगे कि अब हमको एक गौ माता दे दीजिए। लेकिन वहां पर कुछ शिष्य थे, उन्होंने कहा अभी हमारे गुरुदेव अगस्त ऋषि तो नहीं है, तो हम आपको गौ माता नहीं दे सकते। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, फिर निवेदन करने लगे, लेकिन उन्होंने कहा आप कोई भी हो, शिष्यों ने कहा, गुरु की अनुमति के बिना हम आपको गौ माता नहीं दे सकते। ये सुनकर भगवान श्रीनिवास माता लक्ष्मी के साथ, पद्मिनी जी का जो उस समय रूप था उनके साथ, तिरुमला की पहाड़ियों में चढ़ने लगे। जब अगस्त ऋषि आए और उनको पता चला कि भगवान आए थे गाय मांगने के लिए, तो उन्होंने तुरंत एक गौ माता को लिया और भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान ऊपर चढ़ रहे हैं, पीछे पीछे अगस्त ऋषि गौ माता को लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं स्वामी गोबु इंदा, तेलुगु में कह रहे हैं स्वामी गोबु इंदा, यानी कि स्वामी हे भगवान ये गौ माता को ले लीजिए, गौ माता को ले जाइए, स्वामी गोबु इंदा, स्वामी गोबु इंदा, गोविंदा 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 गोविंदा, ऐसे करके वो गोविंदा शब्द आ गया और 108 बार भगवान का नाम उन्होंने ले लिया पीछे पीछे दौड़ते हुए, गोबु इंदा गोबु इंदा। फिर भगवान पलटे और उन्होंने स्वीकार किया गौ माता की वो भेंट को, कहा कि तुमने मेरा प्रिय नाम गोबु इंदा गोविंदा 108 बार ले लिया है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब जो भी कोई भक्त यहां पर आएगा तो वो ये नाम जपते हुए ही ऊपर चढ़ेगा, इसलिए जो भी तिरुमला की पहाड़ियों में चढ़ता है वो गोविंदा गोविंदा बोलते हुए चढ़ता है और ये नाम गो सेवा से जुड़ा हुआ है। तो जिस भगवान की स्थापना ही गो सेवा से, गो माता के दूध की प्रियता के कारण भगवान श्रीनिवास की वहां पर स्थापना हुई, तिरुपति बालाजी की जो स्थापना हुई, उस मंदिर में ही गो माता की चर्बी से प्रसाद बन रहा है। बड़े अफसोस की बात है भाई, मैं निवेदन करता हूं कि या तो शुद्ध देसी गो माता का घी पाने के लिए अपने आसपास की कोई गौशाला में जाइए, अपने सामने वो घी को बनवाइए, या जो भरोसे का व्यक्ति है उससे लीजिए, महंगा दे पर उससे जरूर लीजिए। अपने धर्म के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, भले घी कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को गाय की चर्बी खिलाने से अच्छा है कि गौ माता का असली घी खिलाया जाए, भले कम खिलाया जाए। दीपावली में भगवान की पूजा के लिए जो दीपक जलाते हैं, चर्बी वाले घी से जलाने की बजाय शुद्ध देसी गौ माता के घी से जलाएं, भले कुछ महंगा आए लेकिन लीजिए जरूर। गाय अपने घर में जरूर पाले, मैं तो ये कहता हूं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं पालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, जीव जीव में शिव है। लेकिन भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे गोत्र, हमारी हर चीज का जो मूल है वो गौ माता, कम से कम एक गाय जरूर घर में पालिए, नहीं पाल सकते गौशाला में एक गाय को दान कीजिए, वहां पर पालिए, किसी को देकर पालिए, अपने आसपास जो गाय पाल रहे हैं उनसे घी लीजिए दूध लीजिए। ये मार्केट के चक्कर में, सुंदर पैकिंग के चक्कर में, हीरो हीरोइन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय गौ माता।